दोस्तों अब हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट क्लास 10th 2018-19। आप देख सकते हैं जैसे कि अपने आँखों से, और मैक्सिमम मार्क्स में 80 का है। टाइम आपको 3 घंटे का दे रखा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, सबसे पहले आपको उसकी जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़नी है और इसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन मैंने डिवाइड है, यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर तक आपको इतना वर्ड लिखना है और इतने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे सेट दे रखा है सोशल साइंस मिड टर्म एग्जामिनेशन यानी कि हाफ ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ रिंडरपेस्ट, ये आपका क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन हैं सारे एक एक नंबर के। यहीं बता दूँ आपको 1 से लेकर 7 तक आपका यहाँ पे दे रखा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे एक एक मार्क में यानी कि 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में आपको 1 से लेकर 7 तक आंसर देना है। और फिर उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसलिए आप क्वालिटी, अगर आपको सही नहीं आ रही तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और फिर उसके बाद आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 से लेकर 18 तक यानी अगले पेज पे जो, वहाँ तक आपको ये जो 3-3 मार्क्स का है और 80 वर्ड लगभग लिखना है, 80 से ज़्यादा वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, और 8 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है, आप ये 8 से लेकर अभी 15 तक आ रहा है तो आप यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अगले पेज पे, जहाँ पे 16, 17, 18 जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा 19 से लेके 25 तक हमारा जितने भी क्वेश्चन है, 19 से लेके 25 तक सारे के सारे हमारे 5 नंबर के हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। इसमें आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बना के कम से कम आधा पेज या आधे से ज़्यादा पेज लिखना पड़ेगा आपको, और अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसी में मेन मुद्दा है आपका, 19 से लेके 25 तक। और फिर उसके बाद 5 नंबर का आपका मैप भी आता है, तो जितने चैप्टर आ रहे हैं उन सब में से जितने भी मैप हैं उन सबको प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्योंकि वो उनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा आपका मैप में और आपका 5 नंबर फंस सकता है इसमें। तो कैसा लगा हमारा आपको SST का पेपर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।